अमेरिका और ब्रिटेन ने भी माना चीन को बड़ा खतरा, राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए बताया काल, चीन को लेकर दुनिया के देशों को किया आगाह, ताइवान पर जबरन कब्जे को लेकर भी दी चेतावनी। पीएम मोदी का है ये सारा खेला, चीन को लगा दिया है पूरी तरह रेला। दोस्तों, ड्रैगन की कलाई अब दुनिया के सामने खुल गई है। दुनिया जान गई है कि चीन कितना बड़ा चालबाज है, किस तरह वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, किस तरह वो अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता है, किस तरह ब्रिटेन को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। लिहाजा चीन के नापाक मंसूबे को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने उसका तगड़ा ताबीज बनाने की तैयारी कर ली है। दोनों मिलकर उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे जिससे उसकी चूले हिल जाएंगी। इसे लेकर उन्होंने बयान भी जारी कर दिया है जिससे चीन की हवा टाइट हो गई है, उसे दिन में तारे नजर आने लगे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों एक साथ आकर उसे ललकारने लगे हैं, उसे दुनिया के लिए खतरा बताने लगे हैं। ये सोच सोच कर ही वो पागल हुआ जा रहा है। दोस्तों, दरअसल चालबाज चीन के खिलाफ ये सारा ताना बाना किसी और ने नहीं बल्कि भारत का बुना है। भारत का बनाया ये माया जाल इतना सख्त है, इससे चीन का बच निकलना नामुमकिन है। मतलब जल्द ही चीन की भद पिटने वाली है, उसके मुंह पर काले पुतने वाली है और उसका जनाजा निकलने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में चीन को लेकर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो वाकई में हैरान करने वाला है, लेकिन ये सब जानने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने ये वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो आप वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे इस पर अपलोड होने वाला ताजा तरीन वीडियो की जानकारी आपको तुरंत हो सके। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारतीय सीमा पर नापाक नजरें गढ़ाए चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि चुपचाप सारे हालात पर नजर बनाए रखने वाले पीएम मोदी ने उसकी कब्र खोदनी शुरू कर दी है और जल्द ही उसका जनाजा निकलने वाला है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के प्रमुख ने जो बयान दिया है उसे तो यही संकेत मिल रहा है कि जल्द ही चीन की अर्थी सजने वाली है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ड्रैगन है पश्चिम देशों के लिए बड़ा खतरा, एफबीआई और MI5 के प्रमुखों ने दी चेतावनी। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों के लिए चीन लंबे समय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोनों ने कहा है कि चीन हमारी गोपनीय चीजों को लूटने की योजना बना रहा है और तकनीक की चोरी करना चाहता है। दोस्तों, इस खबर पर कुछ महीने पहले उस वक्त मोहर लगी थी जब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों जगहों पर चीनी जासूसों की जानकारी हुई थी। ब्रिटिश और अमेरिकी नेताओं को फांस रहे चीनी जासूस, सेक्स और कैश से उगलवा रहे खुफिया जानकारी। दोस्तों, दुनिया भर के देशों से उलझा चीन हनी ट्रैप के जरिए उनकी खुफिया जानकारी को जुटाने में लगा है। अपने बयान में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के प्रमुख मैकलम ने चीन से जुड़ी कई जासूसी कारनामों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि एक ब्रिटिश एविएशन विशेषज्ञ से ऑनलाइन संपर्क किया गया था और उन्हें बहुत ही आकर्षक नौकरी का ऑफर दिया गया था। ब्रिटिश एविएशन विशेषज्ञ दो बार चीन गए थे और उनकी जमकर खातिरदारी हुई थी। उनसे सैन्य एयरक्राफ्ट से जुड़ी तकनीकी जानकारी मांगी गई थी। ये जानकारी एक कंपनी ने मांगी थी जो असल में चीनी खुफिया अधिकारियों का समूह था। मैकलम ने कहा था कि एक इंजीनियरिंग फर्म से एक चीनी कंपनी ने संपर्क किया था, यहां भी तकनीक मांगी गई थी, लेकिन स्मिथ हॉर्लो को सौदा रद्द करना पड़ा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी में उन्होंने ब्रिटिश संसद को क्रिस्टिन ली की गतिविधियों को लेकर आगाह किया था। दोस्तों, दरअसल चीनी जासूस अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड समेत कई देशों में शीर्ष स्तर के अधिकारियों को फांस रहे हैं। ये जासूस पैसों और सेक्स के जरिए अधिकारियों से देश से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करते हैं और उसे चीन स्थित अपने हैंडलर्स को भेज देते हैं। कुछ महीने पहले ही ब्रिटेन में एक ऐसे ही चीनी जासूस का भंडाफोड़ हुआ है जो शीर्ष स्तर के सांसदों और पार्टियों को बड़ी मात्रा में चंदा देकर खुफिया जानकारी हासिल करती थी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 ने ब्रिटेन की संसद को जानकारी दी थी कि चीनी जासूस के कई राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इसमें ब्रिटेन की शीर्ष विपक्षी लेबर पार्टी के कई सांसद शामिल हैं। एजेंट ने पिछले कई साल में लेबर पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा भी दिया है। दूसरे देशों की खुफिया जानकारी जुटाता है चीन। चीन के इस जासूस की पहचान चीनी नागरिक क्रिस्टिन ली के रूप में हुई थी। क्रिस्टिन ली लंदन की एक वकील है। वो लंदन में चीनी दूतावास की पूर्व मुख्य कानूनी सलाहकार भी रह चुकी है। वर्तमान में क्रिस्टिन ली प्रवासी चीनी मामलों के कार्यालय की कानूनी सलाहकार होने के साथ ही वेस्टमिंस्टर में इंटर पार्टी चाइना ग्रुप की सचिव भी हैं। दोस्तों, ब्रिटेन की तरह ही अमेरिका में एक महिला चीनी जासूस का भंडाफोड़ हुआ था। वो पिछले 4 सालों से अमेरिका में जासूसी कर रही थी। हालांकि राज खुलने से पहले ही वो अमेरिका छोड़कर चीन भाग गई थी।
अमेरिका में विदेशी छात्रा के रूप में रह रही चीनी जासूस का कई राजनेताओं के साथ शारीरिक संबंध होने का भी दावा किया गया था। इस जासूस की जाल में एक अमेरिकी मेयर के अलावा जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी फंसे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों की खुफिया जानकारी जुटाता है चीन। चीन की इस महिला जासूस का नाम क्रिस्टिन फांग था। इसे फांग फांग के नाम से भी जाना जाता था। क्रिस्टिन फांग ने 4 साल अमेरिका में स्टूडेंट बनकर कई अमेरिकी राजनेताओं को अपने जाल में फंसाया था, जिसमें डेमोक्रेटिक सांसद और यूएस सीनेट के इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर रहे एरिक स्वेलवेल भी शामिल थे। दोस्तों, आरोप ये भी है कि स्वेलवेल और क्रिस्टिन के बीच शारीरिक संबंध थे। हालांकि अमेरिकी सांसद ने सार्वजनिक रूप से आपसी रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं किया है। 2015 में FBI को क्रिस्टिन फांग के बारे में जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद से FBI ने उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, बताया जाता है कि उसे अमेरिका से फरार करवाने में कई अमेरिकी राजनेताओं का हाथ था। एक बार अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुखों ने इसकी पुष्टि की है। दोनों का कहना है कि चीन साइबर अटैक के जरिए अधिकारियों से जुड़ी जानकारी हासिल करता है, फिर उन्हें अपने जासूसों के जरिए जाल में फंसाता है। दोस्तों, चीन की कारस्तानी की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसका कच्चा चिट्ठा अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने खोला है। चीन से दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत। भविष्य का एक बड़ा खतरा है चीन। दोस्तों, चालबाज चीन की हरकतें देखते हुए दोनों प्रमुख एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि चीन दुनिया को अपने पक्ष में बदलने के लिए दमन का सहारा ले रहा है। FBI चीफ ने कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी गुपचुप तरीके से पूरे विश्व में दबाव बना रही है, जिसके खिलाफ हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन यूक्रेन पर रूस के हमले से सबक ले रहा है और ऐसी आशंका है कि चीन ताइवान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। FBI प्रमुख ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान को बलपूर्वक अपने में मिला लिया तो ये दुनिया में तबाही की सबसे भयावह परिघटना होगी। दुनिया ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने खुलासा किया कि चीन के पास जासूसों का एक विशाल नेटवर्क है और उसका हैकिंग प्रोग्राम दुनिया के सभी देशों में चलाए जा रहे प्रोग्राम से ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, चीन की ऐसी हरकत को लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने भी आगाह किया है। केन मैकलम ने कहा है कि ब्रिटिश सर्विस पिछले 3 सालों से चीनी गतिविधियों के खिलाफ अपना काम दोगुना कर चुकी है। इसे एक बार फिर से दोगुना किया जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो चुनौती पेश की है वो गेम चेंजिंग है, लिहाजा उस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, केवल ताइवान को लेकर ही नहीं, चीन व्यापार के बढ़ते खतरे से भी इन दोनों ने दुनिया को सावधान रहने की सलाह दी है। क्रिस्टोफर रे ने कहा कि पश्चिम के बिजनेस को चीन से जितना बड़ा खतरा है, उसका यहाँ के बिजनेस से जुड़े अहम हस्तियों को एहसास तक नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अमेरिका में चीनी कंपनी से जुड़े लोग आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों की जानकारी जुटा रहे हैं, जिन्हें विकसित करने में चीन को एक दशक का समय लगता और अरबों डॉलर खर्च होते। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के खिलाफ ये सारा माया जाल भारत का ही बुना हुआ है। भारत से उलझने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने ऐसा मकड़ जाल बुना कि उसके होश ठिकाने आ गए हैं। उसे समझ में आ गया है कि भारत से पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है। दोस्तों, दरअसल चीन की कारस्तानी के बारे में पीएम मोदी ने ही पश्चिमी देशों को बताया, उन्हें ड्रैगन की नापाक साजिशों से अवगत कराया, जिसके बाद उनकी आंखें खुली। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक अमेरिका कभी भी चीन का विरोध नहीं करता था, लेकिन जब भारत ने उन्हें चीन की सच्चाई से अवगत कराया, तब चीन को लेकर जांच पड़ताल तेज की गई, जिसके बाद जो खुलासा हुआ वो आपके सामने है। दोस्तों, आपको हमारा ये रिसर्च कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।